दीपिका और रणवीर की शादी का लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन अभी भी कुछ वाक्य हैं जो लोगों के जहन में याद आ जाती हैं। रणबीर कपूर और दीपिका की शादी इटली में हुई थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उस वक्त हुआ था एक बड़ा हादसा। जी हाँ, इस हादसे के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हालांकि मीडिया से इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। दरअसल रणबीर और दीपिका की शादी के वक्त एक एक्ट्रेस बेकाबू हो गई थी। क्यों हुआ था ये सब, हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर इटली में क्या हुआ था दीपिका और रणवीर की शादी में। दीपिका और रणवीर की शादी को लेकर सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि इटली में शादी होने वाली है। आखिरकार उन्होंने इटली में जाकर शादी की और वहाँ पर चुनिंदा लोगों को बुलाया। लेकिन जब वो मुंबई वापस आए तो उन्होंने ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी और उसमें तमाम बॉलीवुड के सितारे पहुँचे। रणबीर और दीपिका की शादी इटली में होने के बाद लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ नहीं तो यहीं इंजॉय कर लेते हैं। इटली से वापस आने के बाद उनके ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में बहुत सारे उनके फैंस पहुँचे और उन्हें बधाइयाँ दी। उन्होंने फैमिली फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट और बॉलीवुड फ्रेंड्स को अलग अलग पार्टी दी थी। इसी के बाद एक खबर आई कि गली बॉय में नजर आए कुबरा सैद ने एक खुलासा किया है कि वो रणबीर और दीपिका की शादी में ज़बरदस्ती पहुंची थी। कुबरा ने बताया कि मैं रणबीर से कई साल पहले एक शो होस्ट करते वक्त 5,000 लोगों की भीड़ में मिली थी। आप नहीं सोच सकते कि शो होस्ट करते वक्त आपको कोई सुपरस्टार याद रखेगा, लेकिन उन्होंने मुझे याद रखा। उन्होंने बताया कि 2018 में उनकी वेब सीरीज रिलीज हुई थी, उस वक्त रणबीर ने उनको मैसेज किया था, बॉस आप तो बहुत दमदार हो। कुबरा बताती हैं कि इसके जवाब में उन्होंने यानी रणबीर से खुद को ज़बरदस्ती इनवाइट करवा लिया और लिखा अपनी शादी में बुलाना मत भूलिएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह से मैं जबरन ही उनके रिसेप्शन में पहुंची थी। वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में कुक्कू की भूमिका से ज़बरदस्त चर्चा हासिल करने वाली एक्ट्रेस कुबरा सैद ने रेडी और सुल्तान जैसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। कुबरा ने वेब सीरीज इलीगल में भी काम किया और वे खुश हैं कि ऑडियंस उन्हें प्रयोग धर्मी रोल्स में देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट गेम्स के बाद से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है और मैं इसे काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। मेरे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है। अब मेकर्स मेरे पास आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मुश्किल रोल को भी निभा सकती हूँ। मैं सीक्रेट गेम्स के बाद से कोई रोल नहीं ठुकरा पाई हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड बने और हर गेम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मुझे ही मिले। तो रणबीर और दीपिका की शादी में जबरन घुस आई थी और खूब इंजॉय किया था। देखते रहे बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।